नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का। संभल की लड़ाई में क्रेडिट की मार लग गई है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों समेत प्रियंका गांधी को लेकर दिल्ली से निकले संभल जाने के लिए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम कांग्रेस सांसदों के साथ साथ राहुल गांधी को भी रोक दिया गया, जिसके बाद कई घंटों बहस चली। और इसके बाद राहुल गांधी ने पुलिस वालों को ये तक कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी के साथ अकेले संभल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं संभल जाऊंगा। लेकिन डीएम के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी आदमी का संभल जाने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, धारा 144 लागू है। इसके बाद तमाम विपक्षी और सत्ताधारी दलों में एक बहस छिड़ गई है। कई नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि संभल की सच्चाई छिपाई जाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ वीडियोस। प्ले करिए। आदरणीय राहुल जी से मैं यही कहूंगा कि संभल 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 कर जाइए, जब वहां पर पूर्णता प्रशासन की अनुमति प्राप्त हो जाए तब जाइए। और इसलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि अभी तो उनके कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 10 तारीख के बाद जाएंगे, उन्होंने जाने का प्रयास किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया, कोई कूद रहा है, कोई बैरोकेटिंग फांद रहा है, यह नाटक काहे को है। असलियत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक प्रतिद्वंद्वता है, कौन अल्पसंख्यक मतदाताओं को ज़्यादा प्रभावित करे ये वो भी जानते हैं, क्योंकि वो हाथ में लाल रंग की संविधान की किताब लिए हैं। संविधान ने कुछ विधायी अधिकार दिए हैं प्रशासन को, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को भी दिया है, और धारा 144 लगी है। लेकिन राहुल जी हाथ में संविधान की किताब लिए और संविधान को तोड़ने के लिए कि धारा 144 को तोड़कर जाएंगे ये बात कर रहे थे, तो वही उनको स्मरण कराने के लिए कि भाई नियम का पालन करिए, और नियम का उल्लंघन करना ये भी संविधान का उल्लंघन है। तो मैं समझता हूँ कि उनको बात समझ में आई होगी, उनका काम वहाँ जाना था ही नहीं, असलियत पे उनको अपनी फोटोग्राफी सेशन को पूरा करना था, और उन्होंने फोटोग्राफी सेशन को पूरा कर लिया। उनकी सहानुभूति संभल के लोगों से या कहीं बाहर के लोगों से नहीं है, उनकी सहानुभूति अपने वोट बैंक से है, और वो चाहते हैं सपा में और कांग्रेस में मतभेद का कारण यही है, वो चाहते हैं कि मैं उनके वोट खींच लूं, वो चाहते हैं मैं उनके वोट खींच लूं। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है, वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। लेकिन बार बार वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 10 तारीख तक, जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहाँ हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये प्रशांत यादव के लिए गए थे, हाउस चल रहा है लेने के लिए,
गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है। बाहर क्या कर रहे हैं, इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, डॉक्टर प्रशांत यादव करने गए थे राजीव राजीव। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। चौधरी लोटन राम निषाद हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, हर गोविंद अरोरा हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इसी के साथ ही साथ इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले हम निषाद साहब से सवाल लेना चाहेंगे। निषाद जी, वोटों की लड़ाई छिड़ गई है, इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हम संसद में ये मुद्दा नहीं उठा रहे। निषाद जी, देखिए संभल की जो घटना हुई है, और जब तक घटना हुई है समाजवादी पार्टी मुखरता से अपनी आवाज उठाती रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत की राजनीति पैदा करने के लिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा इसके पास कोई चारा ही नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन 5-6 दिन पहले प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के नेतृत्व में जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन ने जो है हाउस अरेस्ट करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो साजिश रचा संभल में, जो जामा मस्जिद है, उसे अब इनको याद आ गई है कि वो हरिहर मंदिर है, ये गरे मुर्दे उखा करके सर संभल पे बात करने का काम कर रहे हैं। निषाद साहब संभल पे बात कर लीजिए। कल जो है जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जा रहे थे, उनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। ये जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ मीडिया के घराने हैं जो या सपा को और कांग्रेस में जो है लड़ाई कराने का कि मुसलमानों के वोट के लिए कांग्रेस हाथ पैर मार रही है, समाजवादी पार्टी हाथ पैर मार रही है, तो यह कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की साजिश है। और राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, इंडिया गठबंधन के साझीदार हैं। हाँ, एक बात होनी चाहिए कि हमारा जो है कि एक कामन एजेंडा होना चाहिए था, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर वन पार्टी है। तो हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो भी छोटे या बड़े दल हैं, इस तरह के चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो नाटकबाजी और षड्यंत्र कर रही है, इस पर कॉमन एजेंडा तैयार करके हम लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। और अगर एकला चलो की राह पर चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि दलों में नफरत की राजनीति कर दिया जाए, एक एक करके लोगों को दरकिनार कर दिया जाए, जैसे एकनाथ शिंदे जी को जो है कि बड़ा चढ़ाया, ठीक है, हरगोविंद जी कल जो है झटका देकर के गिराने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के पूर्व डीजीपी राज साहब ने क्या कहा था, लोटन राम जी ठीक है, इशारे पर हुआ है, एसपी और डीएम सीधे दोषी है। हरगोविंद अरोड़ा से हम अगला सवाल लेना चाहेंगे। हरगोविंद जी, वो जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत, अब संभल वो जाना चाह रहे तो आप लोगों को परेशानी है, बहराइच नहीं गए तो भी परेशानी थी। हरगोविंद जी, पायल ने 1990 में जब डायर की याद दिला दी और मांस खरियों का पानी लाल कर दिया, तो वो तो कम से कम ऐसी बातें करेंगी। अब हम आते हैं नेता विपक्ष, देश के लोकसभा में नेता के विपक्ष के नेता, अब वो किसी राजनीतिक दल के शहजादे नहीं है, अब वो एक जिम्मेवारी के पद पर है। देश में नेता विपक्ष जिम्मेवारी का पद होता है, और यदि जो संविधान हाथ में लिया हुआ था वो अधिकार देता है, तो वो संविधान कर्तव्य भी बताता है कि संभल यदि संभल रहा है तो कम से कम वहां की कानून व्यवस्था को ज्यादा बिगाड़े नहीं, जिम्मेवारी का पद है, यहां बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और उनका दायित्व बनता है ये नेता विपक्ष होने के नाते कि प्रदेश की और उस क्षेत्र की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको सामान्य करने में अपना योगदान दे, ना कि अपना फोटो सेशन कराने के लिए उसमें आग में घी डालने का काम करें। और जहां तक ये बात रही पत्थरबाजी उनकी, देखिए देश का जो सच्चा मुसलमान है वो कभी भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जो संविधान के विरुद्ध हो। कुछ ऐसी सोच के लोग जो अल्पमत में षड्यंत्रकारी, बहुमत में आक्रमणकारी, ऐसी जिहादी सोच जो रखते हैं चंद लोग, वो समस्त देश के उन देशभक्त मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं, और उनको शह देने का काम
कुछ जो राजनीतिक दल करते हैं उनको भी कम से कम इस पे सोचना चाहिए और शर्मिंदगी मैंने पूछा वो बहराइच नहीं गए तो आप लोगों को तकलीफ थी, लेकिन वो संभल जा रहे तो आपको कोई वहां पर भी तकलीफ है? सवाल मेरा ये था, संभल जा रहे थे तो जाने क्यों, बहराइच पर आपने सवाल क्यों उठाया? केवल पांच दिन रुक जाने से उनका राजनीतिक कद ऊपर या नीचे हो जाने वाला नहीं था। अच्छा, 10 तारीख का तो सबको बुला निमंत्रण है कि जाए, बने किसको है देश में की ठीक है। हम अगला सवाल लेंगे इकबाल अहमद जी से। इकबाल अहमद जी, क्या कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम वोट बैंक खींच रही है, क्योंकि उपचुनाव में भी उन्होंने आपको एक भी सीट नहीं दी और ये बात हम पूरे डेटा के साथ आपसे कर रहे हैं। अगर हम 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 30% मुसलमान वोट थे, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 25%। 2014 में आंकड़ा समाजवादी पार्टी का बढ़ा लगभग 60% वोट जो मुस्लिम्स के थे वो यहां पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए, कांग्रेस पार्टी के हिस्से में सिर्फ 11% रह गए। वहीं अगर 2019 की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 30%, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 15%। और 2024 के चुनाव में जब आप साथ मिलकर लड़े तो 92% वोट जो मुसलमानों के थे वो इंडी गठबंधन के पास आए। तो क्या कहीं ना कहीं ये डर आपको सता रहा है? एक बार राहुल गांधी जी किसी बात से डरते नहीं है, वो डरते बस है कि संविधान खतरे में है, उसको बचाना है। डर इस बात की है, देश में जो नफरत फैलाई गई है, अब फैलाई जा रही है, उसको नफरत को खत्म किया जाए, उसके लिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा किया। वो सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं, इस देश में मोहब्बत का पैगाम देते हैं हमेशा। उनको दर्द इस बात का है कि बीजेपी सिर्फ नफरत पैदा कर रही है। संभल में जिस तरीके से जहर घोला गया है, वहाँ हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं थी, वहाँ लड़ाई पैदा की गई, वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा पैदा की गई। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से हरकत की है वो बहुत ही मतलब दर्दनाक है। इसकी जांच होगी और इसकी जांच सिटिंग जज करेगा तो सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आप देखिएगा शादी जी के सामने आएंगी कि कितने गलत किया कितने नहीं किया। जब सर्वे कराने जा रहे थे तो पीछे पीछे नारा लगवा रहे थे, नारा क्यों लगाया जा रहा था? सर्वे कराना था तो वहां की कमेटी थी, कमेटी के साथ बैठक करनी चाहिए थी। हर जिले में 20 कमेटी होती है, 20 कमेटी का काम क्या है कि शहर में अमन बना रहे। ठीक है, हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इकबाल अहमद जी, हरगोविंद जी से एक जवाब ले लेते हैं। बोलिए हरगोविंद जी। मैं इकबाल भाई को ये स्पष्ट करना चाहूं कि संबल में हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, वहां लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए खराब है, एक विशेष वर्ग द्वारा प्रशासन पर सीधे सीधे पत्थरबाजी करना। अरे पत्थरबाजी तो पुलिस कर रही थी। नहीं नहीं, पत्थरबाजी पुलिस कर रही थी, गोलियां कौन चला रहा था? वीडियो जो भी आया है इकबाल अहमद जी, वीडियो तो हमने भी देखी है। प्रशासन पे पत्थरबाजी थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था वहां। चौधरी लोटन नाम निषाद। ठीक है, चौधरी साहब सुनिए तो, निषाद साहब सुन लीजिए ना, आप लोगों ने बहराइच में कितने का मुआवजा देने की बात कही थी जी?
आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की तरफ से बहराइच और संभल में कितना कितना मुआवजा देने की बात की थी समाजवादी पार्टी ने? यहाँ पर जो है 5-5 लाख रुपया जो है, और बहराइच में संभल के लोगों को, और बहराइच में सर जी, बहराइच में, बहराइच का संज्ञान में नहीं है, मैं क्योंकि झूठा भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलता। अच्छा, और देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी क्योंकि दंगा तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, आरएसएस ने कराया, एक गरीब परिवार का लड़का राम गोपाल मिश्रा मारा गया, तकलीफ होने दी है। ठीक है चौधरी, घटना मिश्रा साहब, चौधरी साहब चुनाव में जीतने के लिए नाटकबाजी किए। चौधरी साहब सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इनको एक बात बता दूं कि 1990 का दंगा जो अयोध्या में लोक कार सेवक मारे गए कौन मरवाया? आप लोगों का दुलारा नृपेंद्र मिश्रा, वह उस समय मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश के, और उनके इशारे पर वहां के लोग चौधरी लोटरलाल मिश्रा किए। अरे झूठ बोल रहे हो, चौधरी लोटरलाल मिश्रा, एक सेकंड, हरगोविंद जी, हरगोविंद जी, अटल जी का मुख्य सचिव बनाया गया, मोदी जी का मुख्य सचिव बनाए, और वही नृपेंद्र मिश्रा जो कार सेवकों पर गोली चलवाया आरएसएस के इशारे पर, उनको जो है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का चेयरमैन बनाते हैं चौधरी लोटरलाल मिश्रा। चौधरी साहब, हम आपके संज्ञान में बात ला देते हैं कि जितना हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से बहराइच में समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है जी, तो यहाँ पर इसलिए आपसे सवाल किया संज्ञान में है तो जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी खुल करके ये जो समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला है इससे घबरा गई है, ये तो 7 जो सीटें उपचुनाव में जीते हैं इस तरह से गुंडागर्दी करके प्रशासनिक मदद से पुलिसिया गुंडागर्दी करा करके मुसलमानों को मतदेय स्थल पर जाने से रोक करके, यह सारी जनता है कि जानती है, अब तो ये किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी कहना शुरू कर दिया है ये बीजेपी आईटी सेल वाले, जिनकी आय दुगुनी करने की बात करते थे, छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं देश के, हमारे छात्र नौजवानों के, किसानों के, हमारी माताओं बहनों के, उन मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने के लिए इस समय यह मंदिरों में सपने में मस्जिदों में इनको जो है मंदिर दिखाई दे रहा है। अरे भाई जितने मंदिर देश में है 90% का मैं दावा करता हूँ कि एएसआई निष्पक्षता से खुदवाई कराए, यहाँ तक कि अयोध्या के राम मंदिर का जिस तरह से बैरियर लगाकर मीडिया को रोक करके खुदाई कराया गया, वहां बौद्ध स्थल मिलेंगे, और ये लोग गड़े मुर्दे उखाड़ करके हमारे जो है सामाजिक समता समरसता भाईचारा को खंडित करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में अपनी बुरी पराजय लोकसभा चुनाव की तरह देखते हुए ये सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने का, दंगा कराने का जो है कि एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता जो है कि इनके बहकावे में नहीं आने वाली नहीं है। हेलो, बताइए बताइए प्रवक्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता जी, क्या मैं एक प्रश्न समाजवादी पार्टी के भाई साहब से ले सकता हूँ? जी पूछिए। इकबाल अहमद जी, जी इकबाल अहमद जी, बहराइच नहीं गए राहुल गांधी लेकिन संभल जाने के लिए उन्होंने पूरा बवाल खड़ा कर दिया, उन्होंने ये तक कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी से अकेले जाऊंगा लेकिन मैं संभल जाऊंगा, पर यही जो उनकी सिंपथी थी वो बहराइच में क्यों नहीं दिखी, उनकी इतनी जो केयर थी वो बहराइच में क्यों नहीं देखने मिली? देखिए आप बीजेपी से ये सवाल कर लेती
बीजेपी जो पांच बच्चे मासूम मारे हैं, मारे गए हैं, हत्या हुई है जो चार पांच बच्चों की, क्या उनके लिए बीजेपी की संवेदना है नहीं है? वो भी हिंदुस्तान के नागरिक है, वो मासूम बच्चे जो मारे गए हैं उस पर बीजेपी के ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना मुख्यमंत्री ने कहा, ना तो वहाँ कोई बीजेपी का बड़ा मंत्री या कोई प्रशासन का आदमी जाके उनकी संवेदना नहीं कर रहा है, ना उनके परिवार को जाके उनके सर पे हाथ रख रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि देश का नागरिक मारा जा रहा है और सरकार मुंह देख रही है सिर्फ। अरे वो सब मुसलमान हैं, ये हिंदुओं में भी पिछड़े दलितों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। यही पुलिस कस्टडी में अक्टूबर महीने में मोहित पांडे की मौत होती है तो 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी बुला कर देते हैं, और 10 अक्टूबर को अमन गौतम चमार जाटव की मौत पुलिस कस्टडी में होती है तो ये मुआवजा नहीं देते हैं, ये मदद नहीं करते हैं। जब अखिलेश यादव जी 2 लाख रुपया की मदद भेजवाते हैं अमन गौतम के परिवार को तो ये चेक बाद में लाज शर्म करके 2 लाख का भेजवा करके अखबारों में खबर 10 लाख मदद की प्रकाशित करवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और 18 अक्टूबर को मकरू बिंद केवट निषाद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई तो मकरू बिंद के परिवार को मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का हेतु मदद नहीं दिया। तो आप लोग तो मुसलमान है भैया, अरे जब हिंदुओं को ये बांट रहे हैं, अगला और पिछड़ा में बांट रहे हैं तो इनकी राजनीति क्या है, आरएसएस का एजेंडा क्या है? ये केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। और यह दंगा जो संभल में भड़काने का प्रयास किए हैं, यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कार्यशाला में बनाई गई रणनीति का हिस्सा है। और ये पहले कहा कि तुर्क और क्या पठानों का ये विवाद बता रहे थे, ये इस तरह के नाटकबाज लोग हैं जो गोदी मीडिया से जो है ना एक इस तरह की हरकत कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता जो है कि इन लोगों के चाल चरित्र को जान गई है। क्या दे रहे पर पहुंच गए, आपने तमाम मामले गिना दिया, आपने 10 अक्टूबर का मामला गिना दिया, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि बहराइच क्यों नहीं गए राहुल गांधी। ये भाजपा का चरित्र है महोदया, ये भाजपा का चरित्र है, ये हिंदू धर्म तो करते ही है, लेकिन यहाँ हिस्सेदारी समाज पाती है, ये पिछड़ों को दलितों को बांटने का काम करते हैं। इकबाल अहमद जी, मैं पूछ क्या रही हूँ आपसे, मोदी जी तो कहते हैं एक है तो सेफ है, तो ये एक है सेफ में ये बता नहीं पा रहे हैं कि एक कौन है और सेफ कौन है। ठीक है, इकबाल अहमद जी, मेरा सवाल मैं आपको एक बार दोबारा मोदी है और सेफ अदानी और अंबानी है, लुटा रहे हैं, सरकारी उपक्रमों संस्थानों को बेच रहे हैं और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, नौकरी रोजगार के अवसर खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी बहराइच क्यों नहीं गए? आपने तमाम मुद्दे गिना दिए लेकिन आपने बहराइच पर बात नहीं की। देखिए बहराइच का भी जो मुद्दा था उस समय हम लोग इसलिए किया, हम लोग जाते तो यही कहते कि अभी कर रहे हैं ना 5 लाख की मदद हमारी पार्टी ने देने का निर्णय किया, संभल के जो मारे गए हैं दंगे में एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी बनवाया है तो ये कहते हैं दंगाइयों की मदद करते हैं। अरे भाई रामगोपाल मिश्रा की 10 लाख मुख्यमंत्री जी देकर के परिवार की मदद किए, आवास नौकरी देने का आश्वासन दिए, तो आप बताओ कि रामगोपाल मिश्रा क्या कर रहे थे? मुसलमान के छात्र पर चढ़ करके रेलिंग गिरा रहे थे और केसरिया झंडा फहरा रहे थे, तो बताओ कि वो क्या दंगाई नहीं हुए? सुरेश्वर मिश्रा ने क्या कहा? अरे सुरेश्वर सिंह जो क्षेत्रीय विधायक का सीट है कि खुद भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दिया, सुरेश्वर मिश्रा जो मासी के भाजपा के विधायक है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल दंगा करके अमन चैन में खलल डालने का काम कर रही है, देश बेचने का काम कर रही है। हरगोविंद जी ये गरीब मजलूमों के बच्चों को आगे करके उनकी हत्या हो रही है, यही बीजेपी करता। ठीक है, हम अगला सवाल हरगोविंद जी से लेंगे। हरगोविंद जी, क्योंकि तमाम यहाँ पर मुद्दे उठे हैं, चाहे फिर अब ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि जामा मस्जिद का भी सर्वे करवाया जाए, संभल में मस्जिद का भी हुआ, अयोध्या में भी राम मंदिर बन गया, तो इस तरीके के तमाम जो मुद्दे हैं वो बार बार उठ रहे हैं, कभी आप जामा मस्जिद ले आते हैं, कभी आप संभल ले आते हैं, तो इसलिए विपक्ष आप पर प्रहार कर रहा है।
देखिए अभी इकबाल भाई की बात को ये स्पष्ट करूं कि इन्होंने कहा जो मुस्लिम बच्चे वहां मारे गए उन पे दुख प्रकट किया, मैंने स्वयं राष्ट्रीय चैनल पर दुख प्रकट किया और निवेदन भी उनकी माताओं से और उस कौम के उन लोगों से किया कि आप तय कीजिए कि आपने वीर अब्दुल हमीद अब्दुल कलाम बनना है या जहादी बनना है। इस देश में वीर अब्दुल हमीद को सम्मान हिंदुओं ने मुसलमानों से ज्यादा दिया, अब्दुल कलाम साहब को सम्मान मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने दिया, तो यदि वो कुछ लोगों के बहकावे में आते हैं कोखे तो उन बेकसूर माओ की सुनी हो रही है ना जी। वो तो कोई माँ तो कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होती। दूसरा भाई साहब अभी समाजवादी पार्टी के भाई साहब सुन लीजिए अच्छा चलो आपकी से पूछ लेता हूँ, जहां खुदा है वहां भगवान है भाई साहब ये बताइए, ये जो संभल का विवाद है ये बारहवीं शताब्दी का विवाद है 1200 बरस और उससे पहले चले जाइए 6 पीढ़ी मुसलमानों का पहले चले जाइए तो सब तो हिंदू मिलेंगे तो उनको क्यों नहीं दीजिए, फुल फुल करके रिश्तेदारी करिए, हम रोक नहीं रहे। आप मोहम्मद करीम की तरह, शहनवाज हुसैन की तरह, आमिर खान और सुहेल खान और बाद खान की तरह, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह सभी मुसलमानों को रिश्तेदार बना लेना। गांधी को जाने से रोका गया गाजीपुर बॉर्डर पर, इसके बाद जो एक सियासी संग्राम है वो शुरू हो चुका है और साथ ही साथ अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, हर पार्टी की तरफ से एक दूसरे के लिए तमाम बयान सामने आ रहे हैं। फिर चाहे बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रहार किया हो या अखिलेश यादव और डिंपल यादव ये कह रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो संभल का सच छिपाने की कोशिश कर रही है, और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का ये कहना है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी का संभल जाना संवैधानिक अधिकार है। अब इस मुद्दे पर एक बहस छिड़ चुकी है, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।